हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप में से ही काफ़ी लोग हमेशा कहते हैं, मैम प्लीज़ जो भी प्रोडक्ट बताती हूँ उनकी लिंक जरूर दिया करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसकी एक वजह है मेरे लिंक ना देने की, क्योंकि जब मैं लिंक देती हूँ तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो है तो फेक हो सकती है। मैं आपको कभी भी कोई भी फेक चीज़ नहीं बताऊँगी, जो सही है मैं वही बताती हूँ। अगर कोई चीज़ सही नहीं होती तो मैं वो भी बोलती हूँ। अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आप गूगल पर जा कर के चेक करिए, आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। वहाँ पर सबके प्राइस भी होते हैं, आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लो पेट्रा क्रीम की। ये 20 ग्राम का ट्यूब आपको 270 में इजीली ये ऑनलाइन मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर पर ये मुश्किल मिलेगा, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन मिल जाएगा। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड का दोस्तों 5% में यूज़ किया गया है, कोजिक एसिड है इसमें 2%, अर्बुटीन 3% में यूज़ किया गया है, एलांटोइन इसमें 0.4 में यूज़ किया गया है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है 5%, विटामिन ई इसमें 0.1% में यूज़ की गई है, इसके अलावा इसमें है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट 1%। तो बात करते हैं इसके काम करने की, ये क्या काम करती है। इसमें जो कोजिक एसिड है दोस्तों, ये आपकी स्किन से मेलानिन को कम करेगा। मेलानिन को कम करने का क्या फ़ायदा होता है, देखिए अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो वो फर्स्ट लेयर पर है, आपको दिखाई दे रही है, तो उसे डीप में जाकर के ख़त्म करना होता है। और जो मेलानिन है वो आपकी स्किन के डीप में ही होता है। जब तक मेलानिन कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप ऊपर से अगर कोई भी अपनी मर्जी से क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वो पिगमेंटेशन नहीं ख़त्म होगी। तो ये कोजिक एसिड इसी पर काम करता है। अर्बुटीन है इसमें, मैंने जैसे कि बताया था आपको कुछ टाइम पहले भी, अल्फा अर्बुटीन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसमें 3% में यूज़ किया गया है, इतना किसी भी क्रीम में यूज़ नहीं किया जाता है, 2% ज़्यादा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसमें 3% यूज़ किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, ये सेफ़ होता है, 100% सेफ़ होता है, ये किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, ये आपके स्किन टोन को लाइट करता है। एलांटोइन है, एलोवेरा है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, विटामिन ई आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये आपकी डेड सेल्स को रिमूव करेगा। अगर आपकी स्किन पर दोस्तों डेड सेल्स जमे हुए हैं, आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो वो काम नहीं करेगा। डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए आप अपनी स्किन पर स्क्रब तो करते ही होंगे, उसी तरीके से ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन से सेफ तरीके से जो भी डेड सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करता है। साथ के साथ अगर आपके पोर्स ब्लॉक हो गए उन्हें खोलता है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है, एक्ने है उसे भी कम करता है। तो बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आपको रेगुलर नाइट में यूज़ करना होता है। आपको रात को अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है। आप किसी भी फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। अपने फेस को वॉश कर लें, उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें, अच्छे से आपकी स्किन ड्राई हो जाए, बिल्कुल गीली ना हो। उसके बाद में आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, जितने आपके चेहरे के लिए इनफ हो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है, याद रखना है। थोड़ी सी लेकर के अपने चेहरे पे मसाज करते हुए लगा लेना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है। इस तरीके से आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सेफ़ हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी स्किन के लिए सेफ के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देगी। लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा, और इसके साथ आपको डे में सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।